हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह से इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंडिंग ट्वीट स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह से फेक ट्वीट स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है फेक ट्वीट। इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद इस वाले ऐप को आपको ओपन करना है। गाइस, आपको क्रिएट ट्वीट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम यहाँ पर लिख लूँगा। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यूजर नेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम डाल लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से यूजर नेम को डाल दिया है। अब गाइस, यहां पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सारी को यहां पर पेस्ट कर दिया है। अब गाइस, आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट को ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट को क्रॉप करना है। तो गाइस, आपको कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट को क्रॉप करना है। क्रॉप होने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डायरेक्ट बैक जाना है। अनलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको 960 की साइज को सिलेक्ट करना है। ब्लैक इमेज को इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आप जो भी वॉलपेपर को सिलेक्ट करना चाहते हैं आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग जाएगा। अब गाइस, आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहां से आपको व्यू वाले पर क्लिक करना है। यहां से गाइस, आपने जो स्क्रीनशॉट को क्रॉप किया था उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंड। गाइस, आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डार्कन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी शायरी कुछ इस तरह से लग जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको इस वीडियो में साउंड को लगाना है। साउंड लगाने के लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक वीडियो को इसमें सेलेक्ट करना है। आपको इस वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। आपको ऊपर थ्री लाने वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एस्ट्रिक आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, इस वीडियो का आईडी निकल कर आ जाएगा। अब गाइस, आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो डिलीट हो जाएगी। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस, आपको साउंड की लेयर के बराबर सभी लेयर को कर देना है। आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको साउंड के एंड में जाना है। अब गाइस, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड क्लियर के बराबर सभी लेयर ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इस तरह से आपको साउंड क्लियर के बराबर सभी लेयर को कर लेना है। अब गाइस, आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस, आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब गाइस, आपको इनशॉट ऐप को ओपन करना है।
इंसर्ट ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस आपको वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी अलर्ट मोशन ऐप से एडिट की है, तो उस वीडियो को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला फिल्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। यहाँ से आप जो भी फिल्टर इसमें लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इस वाले फिल्टर को लगा देंगे। अब आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आपको इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको राइट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फिर से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो गाइस आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स वायरल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।